और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें 12 अप्रैल को जिला स्तर पर प्रदर्शन करेगी इनेलो, राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे इनेलो नेता, खाद की बड़ी कीमत के खिलाफ प्रदर्शन होगा, गेहूं की सुचारू खरीद को लेकर भी प्रदर्शन किया जाएगा, कृषि कानूनों को रद्द करने की भी मांग की जाएगी। खाद की बढ़ती कीमतों के साथ साथ गेहूं की सुचारू खरीद को लेकर इनेलो नेता और कार्यकर्ता प्रदेश भर में 12 अप्रैल को जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। अभय सिंह चौटाला ने सिरसा में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि सरकार किसान हितेशी होने का दावा करती है, जबकि किसान आज सबसे ज्यादा दुखी है। अभय चौटाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और किसानों को कमजोर किया जा रहा है। अभय ने कहा कि फसल के सही दाम नहीं मिल रहे, जबकि डीएपी के दाम बढ़ा दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसान मंडियों में अपनी फसल को बेचने को लेकर सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है। अभय चौटाला ने कहा कि हम सभी मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं। ऐसी हालत है मंडियों के अंदर कि किसान जो है अपनी फसल बेचने को लेकर के बहुत परेशानी में है। इसके लिए हमने एक फैसला किया है कि हम महामहिम को एक मेमोरेंडम भेजेंगे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। हमारी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इकट्ठे होंगे और प्रदर्शन करके किसानों की मांग के लिए जाकर के मेमोरेंडम देकर के आएंगे।